हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी ब्रिंस। तो गाइस, सभी को आवाज मेरी पहुंच रही है? ऑल राइट, चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ट्रेड थ्योरी जो है आप लोग का, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सारे वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। ठीक है, और ट्रेड थ्योरी के लिए खासकर बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट भी करा था कि सर हम लोग को जो है ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चंस कराइए। और जो है मैं ऑलरेडी इसमें वीडियो दे चुका हूं और अच्छे खासे आप लोग उसमें जो है बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर और भी क्वेश्चंस चाहिए। तो गाइज, यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में देखें, टोटल 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। और जैसा आप लोग को पता है गाइज कि ये जो है डिजिटी का रेस्पॉन्स सीट है। ठीक है, डिजिटी का रेस्पॉन्स सीट है और आप लोग को भी पता है कि इससे क्वेश्चंस आया है, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स देखिएगा पहले के मेरे वीडियो में, तो आप लोग को जो है वो लड़का खुद कमेंट किया है कि सर 10 प्लस क्वेश्चंस जो है एक वीडियो से आपका रह रहा है। तो ये बात आप मान के चलिए कि आज के वीडियो से यदि आप लोग एग्जाम आप लोग का है तो 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग को 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सिंगल वीडियो से देखने को मिल जाता है, तो उससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। खैर गाइस, इसके पहले एक चीज और आप लोग को मैं बता दूं, तो यहाँ पे चैनल पे जो है ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा जहाँ की पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि इस बार के जो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आ रहे हैं, ठीक है, सारा का मैंने हर दिन का एनालिसिस किया है। 25 जनवरी हो, चाहे 24 जनवरी, चाहे 21 जनवरी, चाहे आपका 20 जनवरी, चाहे 17 का, सभी हर दिन का जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल WCS का एनालिसिस करा रहे हैं, तो चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग जो है आज का जो है सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग कि आपको जो है मैं 5 सेकंड का वक्त दूंगा और उस बीच आपको जो है बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चिन्हित भाग को बताना है। तो चलिए, आपके पास जो है समय है 5 से 10 सेकंड का टाइम मैं दूंगा आप लोग को, आप लोग को राइट आंसर बताना है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग क्या होने वाला है। आने वाला प्रश्न ही बताया जाएगा प्रमोद बिंद। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। जो बच्चे देखिए इस तरह के सेशंस का फायदा क्या है कि जिनका तैयारी हो गया है उनका तो हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और जिनका जिनका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो इन सेशन से उनको जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां शुरू करते हैं हम लोग। बताइए सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, कोई जवाब नहीं आ रहा, मैं इसका बता देता हूं। देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। ठीक है, शू का मतलब क्या होता है, जूता होता है एक तरह से, जो पोल है। ठीक है, तो एक तरह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है क्या हमारा, ध्यान रखिए, पोल शू कहा जाता है। ठीक है, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, पोल शू। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख ले रहे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन DC जनरेटर। ठीक है, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आ रहा है, बहुत बार पूछा जा रहा है। चलिए जवाब दीजिए, जितने बच्चे भी देख रहे हैं। हाँ, 27 को आपका पेपर है, जाहिर सी बात है होगा ही, क्योंकि कल तो पेपर है नहीं, कल 26 है। बताइए इसका जवाब दीजिए क्या होगा, आंसर दीजिए प्रमोद जी, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस देखिए है, कॉर्क स्क्रू रूल है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, या फिर फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ का नियम, या फिर फ्लेमिंग्स के दाहिने हाथ का। वेरी गुड, ठीक है, जवाब आ रहा है अमन 9801 बिहार, फिर प्रमोद का भी आंसर आ रहा है, रवि का, रवि रंजन का भी आ रहा है, और बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, या फिर फ्लेमिंग्स के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3 कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस के लिए। तो ऑप्शंस देख लीजिए, आपके पास जो है यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, जहां की पहला है मेगर, दूसरा है मल्टीमीटर, तीसरा है श्रेणी प्रकार ओम मीटर, और चौथा है केल्विन ब्रिज। जवाब दीजिए, इतने बच्चे देख रहे हैं। देखिए इस तरह के सेशंस में यदि इंटरेक्टिव सेशन होगा तो आप लोग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग को इंटरेस्ट भी आएगा और चीजें याद भी हो जाएंगी आप लोग के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ठीक है, आप लोग जो है यहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके बोल सकते हैं।
और रामुलु जो है जवाब जो है दे चुके हैं 100, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का दिए हैं वो। चलिए इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर जो देखिए 3 का जो है आंसर हो जाएगा केल्विन ब्रिज। ठीक है, ध्यान रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन ब्रिज। क्यों ऐसा होगा भाई? इसलिए केल्विन ब्रिज का हम लोग उपयोग करते हैं क्योंकि जो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। और इस तरह के रेजिस्टेंस को जिसका की वैल्यू 1 से भी कम हो, 1 ओम से भी जिसका वैल्यू कम होता है, उस तरह के केसेस के लिए हम लोग कौन सा ब्रिज का यूज करते हैं, कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो केल्विन ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, मेगर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस को नापने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइंडिंग इफ पिच कॉइल इज लेस देन द पोल पिच। ठीक है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो तो वाइंडिंग का नाम क्या होता है, क्या कहेंगे बताइए। इसका ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शन है। पहला है कि फुल पिच वाइंडिंग, दूसरा है हाफ पिच, फिर थर्ड है लॉन्ग पिच लॉन्ग कॉर्डेड, और चौथा है शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। चलिए आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, 4 का बहुत अच्छा जवाब। ठीक है, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और क्या है हमारा शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। ठीक है, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। रवि रंजन, रामलू, वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे आप लोग के सामने देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करेंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पे राइट हैंड ग्रिप रूल है, राइट हैंड पाम रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दो तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जस्ट अभी कराए थे और एक क्वेश्चन ये वाला, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और ऑप्शंस आप लोग को बताना है इसका सही ऑप्शन कौन सा है। 5 का बताइए, 5 का डी बता रहे हैं रामुलु। ओके, वेरी नाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, ध्यान रखिए फ्लेमिंग्स का जो है दाहिने हाथ का नियम हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीसी मोटर में करंट की दिशा को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए गाइस, एक क्वेश्चन इसमें है जिसमें वेरिएशन है, बट आपको आंसर वही लगाना है जो डीजीटी अपने आंसर की नदी है, चाहे आपका नीमी का कोई भी पीडीएफ है उसमें जो आंसर दिया है उसी को ध्यान से आप लोग लगाइए एग्जाम में, क्योंकि फिर वहां पे बाद में आपको कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। देखिए, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का जो है किस प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाता है शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए। टॉन्ग टेस्टर है, इंटरनल ग्राउलर है, एक्सटर्नल ग्राउलर है, या फिर डिजिटल मल्टीमीटर। 6 नंबर, 6 का जवाब दीजिए। ओके, फटाफट जवाब दीजिए। 6 का सी। ठीक है, बहुत अच्छा अमन रामुलु, वेरी नाइस। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल ग्राउलर जो होता है उससे हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, जो हमारा ओपन सर्किट या फिर जो शॉर्ट सर्किट होता है उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन डीसी कंपाउंड मोटर। देखिए हिंदी में है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। ओके, ऑप्शंस देखिए, रेटेड गति बनाए रखने के लिए, उसके बाद है मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, या फिर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचने के लिए, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है मोटर को ओवरलोड से रोकने के लिए। 7 नंबर, ठीक है, रोहित कुमार। ठीक है, वेरी नाइस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो है मोटर का जो ये विशेषता है उसको बनाए रख सके हम लोग। ठीक है, उसको जो मतलब मोटर की जो विशेषताएं होती हैं उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, मोटर कैरेक्टरिस्टिक को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर, विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन 3-फेज इंडक्शन मोटर। 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक तरह से। देखिए ऑप्शंस है नो लोड स्पीड, फिर है फुल लोड स्पीड, फिर थर्ड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, या फिर रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टार्टर एंड रोटर। क्या होगा 8 का,
आप लोग जरूर ये लिखिए कि कौन सा नंबर का जवाब दे रहा है, ठीक है। जैसे ए बी सी डी सिर्फ लिख रहे हैं तो कोई बच्चे पीछे हैं तो वो पता नहीं चल पाता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग 8 का डी जवाब दिए हैं, रोहित ने भी डी जवाब दिया है। बट गाइज यहाँ पे 8 का जो है आप लोग का डी नहीं होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहलाता है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कहलाता है सिंक्रोनस। चलिए अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, और ये बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग को देखने को मिला होगा, मतलब बहुत सारे शिफ्टों में देखने को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का रहा है कि व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड, ठीक है। पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होता है, मतलब फ्यूज का रेटिंग पूछा गया है 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए, फुल लोड में भी चला रहे हैं तो उसके लिए कितना फ्यूज रेटिंग का आप लीजिएगा, ठीक है। 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 25 एम्पियर या 30 एम्पियर 9 का, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, अमन का आया है, रोहित का आया है, प्रदीप का आया है, ठीक है, सबका राइट जवाब आ रहा है। कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा जो कि है 25 एम्पियर। कितना लेंगे हम लोग, 25 एम्पियर का हम लोग को फ्यूज लेना पड़ेगा, चुनाव करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताना है आपको कि देखिए इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टार्टर ऑफ मोटर, मतलब 6 पोल स्टार्टर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या हो, ये बताना है। देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, 360 डिग्री, 720 या फिर 1080 या फिर 1440 डिग्री। ओके, 10 का कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आ रहा है बहुत लोगों का। चलिए बहुत अच्छा, इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि हमारे पास है 11 नंबर। देखिए विच इज द डिमेरिट ऑफ 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग, 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा होता है, ये बताइए। अधिक जगह की आवश्यकता होती है, ठीक है, ए स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड, जो हम लोग कहते हैं एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता होती है, कहते हैं मोर डिफिकल्ट टू शेप द कॉइल यूनिफॉर्मली, या फिर लास्ट ऑप्शन है इट इज नॉट इजी टू मेक द एंड कनेक्शन। 11 का बी बता रहे हैं। ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का बी, है ना। ऐसा इसलिए होता है, डिमेरिट क्या है इसका, कि एक स्टेप्ड फॉर्मर जरूरत पड़ता है, एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता होती है इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, इसमें बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड, ये सिंगल फेज मोटर है, इसमें एकल चरण मोटर किस प्रकार का है ये, ठीक है। तो ये फिगर देख करके आप लोग आइडेंटिफाई करना है, यूनिवर्सल मोटर है या फिर परमानेंट कैपेसिटर मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। चलिए 12 नंबर का क्या हो जाएगा, 12 का डी, रवि रंजन। ओके वेरी गुड, क्या हो जाएगा ये, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। देखिए इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए मैं पहले भी सेशंस में आप लोगों को बताया था कि 2 कैपेसिटर दिखता है, ठीक है, तो समझ लीजिए 1 कैपेसिटर का यूज होता है स्टार्ट करने के लिए, दूसरा कैपेसिटर का काम क्या होता है, रन करने के लिए मोटर को, इसलिए 2 कैपेसिटर दिखे तो आपको ऑप्शन लगा देना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर, ठीक है। देखिए विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ ओन्ड रोटर, ओन्ड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट की जाती है, बताइए। ऑप्शन से देखिए रिपल्सन है, या फिर सेडेड पोल मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर। 13 का सभी जवाब देखिए, तो देखिए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपल्सन मोटर हो जाएगा, ठीक है, प्रतिकर्षण मोटर इसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मतलब एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए लेंज लॉ है, जूल्स लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
14 का बताइए, 14 का ए, वेरी गुड। रवि रंजन, रामलू, ओके प्रमोद, नहीं प्रमोद गलत बता रहे हो, ठीक है 14 का ए ध्यान रखना है आप लोग को। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो लेंज लॉ के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है लेंज लॉ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि अप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? जेट पंप है, फूड मिक्सर है, या फिर टेलीप्रिंटर या कंप्रेसर? इसका जवाब तो सभी लोग दे दीजिएगा पत्र का। यूनिवर्सल मोटर, देखिए क्या हो जाएगा इसका 15 का बी, वेरी गुड। ठीक है कुछ बच्चे जवाब दिए हैं। फूड मिक्सर, देखिए फूड मिक्सर किसको कहते हैं, जो घर में आप किचन वगैरह में देखे होंगे मिक्सी, जिसमें कि आप जो है कुछ पीसते हैं लाइक मसाला वगैरह या फिर कुछ भी चीज जो पेस्ट किया जाता है तो उसको हम लोग मिक्सी कहते हैं। और ये जो है आपका यूनिवर्सल मोटर कैटेगरी में आता है, क्यों? क्योंकि ये एसी एज वेल एज डीसी दोनों पे काम करता है, ठीक है अल्टरनेटिंग और फिर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों पे वर्क करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि ये अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर का पार्ट है ये, ठीक है तो ये कौन सा पार्ट है वही बताना है, भाग बताना है। ठीक है स्टार्टर है, एक्साइटर है, या फिर साइलेंट पोल रोटर है, या फिर स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर? फटाफट जवाब दीजिए। का देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, साइलेंट पोल रोटर, ठीक है मुख्य ध्रुव रोटर इसको हम लोग कहते हैं। ऑलराइट चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, ठीक है घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा होता है? ओके ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे, इजी टू लोकेट द फॉल्ट इन द फील्ड, इजी टू कनेक्ट द लोड विद अल्टरनेटर, इजी टू डिसिपेट द हीट ड्यूरिंग रनिंग, टू स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। क्या आएगा सत्रह का? ठीक है रवि रंजन, ओके वेरी गुड। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब कि टू स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, मतलब दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, ठीक है ये इसका राइट होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जो एक्स भाग है ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, ठीक है इसको क्या कहते हैं? कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, रिड्यूस एसी, रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप, हेल्प टू डिलीवर विदाउट नॉइज, या फिर कलेक्ट्स द डिलीवर करंट डायरेक्ट करंट? का डी जवाब आ रहा है, रवि रंजन, रामलू, ओके तो सही है। 18 का क्या आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलेक्ट्स द डिलीवर डायरेक्ट करंट, ठीक है विद्युत वितरित थेट विद्युतीय प्रभाव संकलित करने हेतु काम आता है, ठीक है जो भी डायरेक्ट करंट जो डिलीवर होता है उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, मतलब कि उसको लेने के लिए, ठीक है कलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है ये वाले पार्ट का, जो कि एक तरह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये कम्यूटेटर का पार्ट है, ठीक है डीसी मोटर में ये जो पार्ट है हमारा क्या है कम्यूटेटर है, यहाँ इंडिकेट किया गया है तो उस चीज को डिफाइन कर दिया गया है, कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, लेकिन वाकई में ये क्या है एक कम्यूटेटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। 19 देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग, बहुत अच्छा सवाल है कि शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखिए है कि प्रोड्यूस हाई वोल्टेज इन इनिशिएट द रोटेशन, फिर है कि प्रोड्यूस हाई करंट टू स्टार्ट रोटेट द मोटर, प्रोड्यूसेस टॉर्क एंड रन्स नियर इन सिंक्रोनस स्पीड, और लास्ट है प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। ओके हाँ 9:15 जो है अमन कुमार इसका वर्कशॉप का जो है लाइव क्लास है 9:15 से ज्वाइन हो जाना, और हर दिन का होता है क्लास ईएस का भी और
WCS का भी। चलिए तो 19 नंबर का जो राइट जवाब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हम लोग इसमें लगाएंगे टिक, किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने के लिए जो है डैम्पर्स वाइंडिंग का यहाँ पे पर्पस होता है सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है, स्टार्टिंग में शुरुआत में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 20 नंबर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मोटर जनरेटर सेट का जो है लाभ क्या है, नॉइजलेस या फिर हाई एफिशिएंसी या फिर लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड या फिर डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल, बताइए 20 नंबर, जवाब दीजिए सभी, कितने लोग हैं फिर भी जवाब नहीं आ रहा है, 20 का जवाब दीजिए, क्या होगा एडवांटेज, क्या होता है मोटर जनरेटर सेट का, वेरी गुड शिवम यादव, ओके रामलू, प्रदीप, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, राइट आंसर, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके, जो कि क्या है डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल, ठीक है, जो भी डीसी आउटपुट वोल्टेज होता है उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी जो है हर कोई ना कोई सेट में मिल जा रहा है, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन मतलब जो है कोई ना कोई सेट में देखने को मिल रहा है कि नेम ऑफ एम्पलीफायर, इसके बारे में बताना है इसका नाम क्या है, कॉमन मीटर एम्पलीफायर या फिर क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर या फिर क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर, 21 22 का कैसे कर रहे हो, 21 का करा है, ठीक है, वेरी गुड शिवम रामलो, ओके प्रदीप, हाँ ठीक है, उमा शंकर, चलिए बहुत अच्छा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चले जाएगा हमारे यहाँ बी चले जाएगा जो कि है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए 22 नंबर, व्हाट इज अ एक्टिव कंपोनेंट, एक सक्रिय घटक कौन सा है, इंडक्टर होगा या फिर रेजिस्टर होगा या फिर कैपेसिटर या फिर ट्रांजिस्टर, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताइए, दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्टिव और एक होता है पैसिव, 22 का क्या आएगा, ये कुछ बच्चे तो डी बता रहे हैं, हाँ मनीष कुमार आपका भी नाम लेंगे, जवाब तो आया नहीं था, नहीं दिए थे, चलिए बहुत बच्चे जो है डी बता रहे हैं, विवेक, एमडी, लालू, ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही में ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक्टिव कंपोनेंट होता है, ओके, देखिए एक्टिव कंपोनेंट किसको कहते हैं, ऐसे कंपोनेंट जिसमें कि आपको बाहर से कुछ उसको मतलब पावर देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाएंगे, ठीक है, वो काम कब करेंगे, वैसे कंपोनेंट्स कब काम करेंगे, जब उसको एक एक्सटर्नल सोर्स दिया जाए, ठीक है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई दिया जाए तभी जो है वो वर्क करते हैं, इस वजह से वो एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं, चलिए ऑप्शन डी, समझ में आ गया, अब अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे यदि क्वेश्चन जो है इस तरह से भी हो सकता था कि जब मान लेते हैं यहाँ पे जो है पैसिव कंपोनेंट का सवाल यदि रहता तो ये आपको हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक दिखता और इसके साथ कोई और तीन ऑप्शन मतलब दो ऑप्शन और आ जाते हैं और यहाँ पे तीन ये तीन में से कोई एक रहता, क्योंकि इंडक्टर जो है रजिस्टर है कैपेसिटर क्या है सभी पैसिव कंपोनेंट्स, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए व्हिच लेटर इंडिकेट्स द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है इनमें से, ए बी सी और लास्ट ऑप्शन है आर, 23 का आंसर बताइए, 23 का, हाँ डी सही है, सही है, चलिए ठीक है, IOCL अप्रेंटिस एडमिट कार्ड, चलिए बाद में बात करेंगे आपसे, अभी क्लास हो रहा है, ओके 23 का डी, ओके वेरी गुड, तो यहाँ पे देखिए 23 का जो है राइट आंसर डी जाएगा, जो बच्चे डी बताए हैं बहुत बढ़िया,
और सी भी बताने वाले कुछ बच्चे हैं, लेकिन सी नहीं होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, डी लगेगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है, डी, कैडमियम सल्फाइड को जो है इसका जो लेटर, किस लेटर से डिनोट किया जाता है, आर से। देखो जिनका फ्राइडे को आईओसीएल अप्रेंटिस का एग्जाम है, ठीक है, उनको देना है एग्जाम, जिनका एसएमएस आया हो या फिर मेल आया होगा, चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 24। अब देखिए यहाँ 24 है, मुझे ना बहुत संभल के स्क्रॉल करना पड़ रहा है इसलिए, क्योंकि आंसर आ जाता है नीचे। चलिए कोई नहीं, ईमानदारी खुद में रखिए, कोई बात नहीं। नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, ठीक है, ये जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो ये एसेसरीज यूज होते हैं, इसका नाम आपको बताना है क्या है, वायर फेरुल है या फिर वायर स्लीव है या नायलन केबल टाई है या फिर केबल बाइंडिंग स्ट्रैप है। इसका जवाब तो मुझे, मेरे ख्याल से सभी बच्चे दे ही देंगे। चलिए आंसर भी आ रहा है, भूरा राम, लोकेश शर्मा, रामुलो, प्रदीप, लोकेश। देखिए भाई जिनका भी आंसर डी आ रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्या है ये, केबल बाइंडिंग स्ट्रेप है, केबल बांधने की एक पट्टी है, जाहिर सी बात एक पट्टी टाइप का आपको दिख रहा है, जिसमें कि यहाँ पे ये पिन जो है लगा करके लॉक किया जाता है, ये क्या है, केबल बांधने की एक पट्टी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर। अब इसके बारे में बताइए, कंट्रोल पैनल में यूज होता है तो ये है क्या, ठीक है, लग्स है या फिर थिम्बल है या फिर ग्रोमेट है या फिर टर्मिनल कनेक्टर है। 25 बताइए। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है, मनीष कुमार, विवेक, वेरी नाइस। तो 25 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, ग्रोमेट कहते हैं इसको हम लोग, देख लीजिए ध्यान से, ग्रोमेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 26 है कि विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन पैनल बोर्ड असेंबली, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। ठीक है, तो सेंसर्स है या फिर इंडिकेटिंग लैंप है या आइसोलेटिंग स्विच है या फिर पुश बटन स्विच। 26। ओके विवेक, ठीक है, और प्रदीप, इलेक्ट्रिकल वर्क्स। ओके नेक्स्ट, और कोई नया ट्राई करेगा तो अजीत पटेल, ठीक है, लोकेश शर्मा, विवेक, हाँ ठीक है, रोहित कुमार मौर्य। देखिए सही बात है, यहाँ पे जो है सेंसर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंसर, तो कंट्रोल जो 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 पैनल बोर्ड होता है उसमें हम लोग सेंसर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या है। देखिए ऑप्शंस है कि ए डिवाइस यूज एज प्राइम मूवर फॉर जनरेटर, ऑप्शन बी ए डिवाइस कंट्रोल्स एसी टू डीसी सप्लाई, थर्ड देखिए एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर्स, और ऑप्शन डी है ए मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 27, चलिए कुछ बच्चों का जवाब आने भी लगा है और सही जवाब आ रहा है 27 का। देखिए 27 नंबर का जो भी बच्चे सी बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है वो, सी नंबर। ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव, क्या होता है, एक मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युतीय यांत्रिक उपकरण होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक जो डिवाइस होता है जो कि कंट्रोल किया जाता है, उससे मोटर को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। समझ में आया बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए बीओपी इन डीसी ड्राइव, इसका फुल फॉर्म बताना है, बीओपी का क्या होगा, ब्रिज ऑपरेशनल पैनल, बेसिक ऑपरेशनल पैनल, सी है बेसिक ऑपरेशन प्रोग्राम और डी है ब्रिज ऑपरेटर प्रोग्राम। 28 का बताइए, 28 कृपया करके आगे नंबर जरूर लिखें। अभी भी लोग, ओके तो ये 28 का बी बता रहे हो ना, चलो ठीक है। अजीत पटेल सी बता रहे हैं, लोकेश बी बता रहे हैं। चलिए तो 28 का देखिए राइट है बी ऑप्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ठीक है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल, आया समझ में। चलिए अब अगला हम लोग नेक्स्ट पढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि है 29। देखिए विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, ग्रुप ड्राइव है, मैनुअल ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव या फिर कंटिन्यूअस डीसी ड्राइव।
कोई बात नहीं है, गलती आज करोगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगा। ठीक है चलो, 29 का क्या होगा आंसर? लोकेश शर्मा, प्रदीप इलेक्ट्रिकल वर्क्स। ठीक है, जिनका भी डी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसको, क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव करते हैं। ठीक है, जो हम लोग क्लासिफाई जो करते हैं किस अकॉर्डिंग, ये कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसके बारे में क्या होगा इसका आंसर। मिनिमम परमिसेबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज 240 वोल्ट एज पर ISI। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। ओके, तो 30 का क्या आएगा? वेल ठीक है, विवेक कुमार रामलू हो गए, फिर अजीत, फिर भूरा राम, फिर अभी ब्लॉग। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए 228 वोल्ट। ठीक है, परमिसेबल वोल्टेज कितना माना जाता है ISI के द्वारा, 228 वोल्ट। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख ले, क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच टर्म रेफर दैट द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम्ब विद्युतीय द्वारा मुक्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोकॉपिंग है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 31 चलिए बहुत अच्छा, सभी का लगभग जो है सही जवाब आ रहा है। चलिए वेरी गुड, 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट देखिए, UPS का, इसका तो मैं आप लोग को नहीं दूंगा टाइम क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इसका सही लोग कर लीजिएगा। 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ध्यान रखिएगा, अनइंटरप्टेड, यू फॉर अनइंटरप्टेड, और पी फॉर पावर, और एस फॉर सप्लाई, निवार्थ विद्युत आपूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। ओके, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है चारों में से? ऑप्शंस देखिए, गीजर है पहला, दूसरा है ग्राइंडर, टेलीविजन, और फिर पंप मोटर। 33 का बताइए, 33 चलिए, कुछ बच्चों का जवाब सही आ रहा है, बहुत अच्छे, विवेक, अजीत, प्रदीप, रामलू, भूरा राम, वेरी गुड। तो 33 का आंसर जो होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, टेलीविजन हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का कहां उपयोग होता है, टेलीविजन सेट्स में उपयोग किया जाता है। ठीक है चलिए, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर ले, व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम पूछा गया है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम। 34 कौन पहले बताएगा? चलिए पहला जवाब आया है विवेक की ओर से, उसके बाद अजीत, बट सभी बच्चे सभी सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा, सुनील कुमार, एमडी अंसारी। चलिए वो 34 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 35 का, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत पूछा जा रहा है कौन सा, सन होगा, हीट होगा, कोल होगा, या बायोमास होगा। इसका तो सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें मैं वक्त नहीं दे रहा हूं आप लोग को, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, नेचुरल प्राकृतिक स्रोत क्या है ऊर्जा का, जाहिर सी बात क्या है, सन, सूर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर।
इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंसुलेशन एज पर आईई, ठीक है, आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन है इन्फिनिटी है, ऑप्शन दो है देखिए मोर देन 1 मेगा ओम, फिर है मोर देन 2 मेगा ओम, मोर देन 3 मेगा ओम। 36, चलिए जवाब भी आ रहा है 36 का, बहुत अच्छा। ऑप्शंस पढ़ने से पहले आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अजीत हो गए, रामुलु हो गए, फिर प्रदीप, लोकेश, भूरा, सुनील, जीम बॉय स्टेटस, एमडीएन सारी। चलिए 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चल जाएगा बी, मोर देन 1 मेगा ओम, ठीक है, 1 मेगा ओम से क्या होता है अधिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो कि है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आप लोग सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ। 37 का बताइए क्या हो जाएगा, पिन इंसुलेटर पोस्ट या फिर स्ट्रेन या फिर साइकिल इंसुलेटर। 37 का वेरी गुड विवेक, एमडी अंसारी, ठीक है। तो ये क्या है आपका, साइकिल इंसुलेटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक बार जितने बच्चे भी लाइव हैं सभी वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें, और न्यू होंगे चैनल पर जाना सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहती है, जितनी भी आईटीआई से जुड़ी हुई है या फिर जॉब अप्रेंटिस सर्विस से भी मिलता है अपडेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए अब लास्ट और 2-3 क्वेश्चन रह गया है। देखिए व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर, ठीक है, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर को बहुत टाइट होने का कारण क्या होता है। ऑप्शन देखिए है अवॉइड स्पार्किंग, अवॉइड कोरोजन, अवॉइड ऑक्साइड फॉर्मेशन या फिर अवॉइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 38 का प्रदीप ने सबसे पहला जवाब दिया है, उसके बाद जिम बॉय, विवेक, रामलू, अभिनीत। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 39, हाउ द रिपेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड, सर्किट ब्रेकर का जो आपका टूटने की जो क्षमता, ठीक है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, केवी में, केडब्ल्यू में, एमवीए में या केवीएआर में। 39 का जवाब आ रहा है, सी दिया है किसी ने, ओके, विवेक, अभिनीत, एमडी अंसारी, उमा शंकर ने डी दिया, ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो गाइस 39 जो है इसका राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, एमबीए में हम लोग रेटिंग करते हैं, किसमें करते हैं, एमबीए में करते हैं, ठीक है। चलिए अब आज के सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन, आप लोग जितने हैं सभी लोग बता दीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन आज का यहाँ जो है क्लोज करेंगे, और फिर 9:15 से थोड़ी देर में WCS का जो है क्लास आने वाला है। बताइए सर्किट ब्रेकर जो है, अब इसमें जो है ये सर्किट ब्रेकर का नाम बताना है आपको, कौन सा सर्किट ब्रेकर है, ऑयल सर्किट ब्रेकर या फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या फिर एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। 40 का जवाब बताइए सभी लोग, विवेक, अभिनीत चेक करो एक बार, गलत बता रहे हो, भूरा, उसके बाद जिम बॉय स्टडस और विक्रम। आज को क्यों है सर, मतलब तो 40 का राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, एंड हो रहा है, बट जो चैनल है चैनल पे आप लोग विजिट कीजिएगा और वहां पे देखिएगा बहुत सारे जो है जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी का मैं एनालिसिस हर दिन का करा रहा हूँ। अभी 9:15 जो है आप लोग का WCS का भी क्लास होने वाला है, तो उसको भी आप लोग अटेंड कीजिएगा, लाइव क्लास ही होगा। तो इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए और जो है जितने भी कंटेंट्स आते हैं स्टडी मटेरियल सारा कुछ आपको चैनल प्रोवाइड किया जाता है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।